सिंगापुरियन राइस हैं वो बहुत स्पेशल हैं, आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे ऐसे नाज़रीन। पाकिस्तान के साथ मैं हूं तनवीर वलीम। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ नाम बताना चाहूंगा, तो ये है अदनान सिंगापुरी। आपका नाम क्या है सर? आमिर सिंगापुरी। आमिर सिंगापुरी। और सर आपका नाम क्या है? रिजवान सिंगापुरी। रिजवान सिंगापुरी। अब बोलेंगे यार सिंगापुरी कहां से आ गए, तो भाई सिंगापुरी क्यों नाम रखा आप लोगों ने सर, ये बताएं हमें। तनवीर भाई सिंगापुरी इसलिए नाम है कि कराची में सिंगापुरियन फूड स्टार्ट करने वाले हम लोग हैं। अच्छा आप हैं? जी। वो 1995 से। जी 1995 से लेकर वो माशाल्लाह। ये तारीख रोड पे हम लोग पहले स्टॉल लगाते थे, क्योंकि आम आदमी रेस्टोरेंट में अप्रोच नहीं कर पाते थे, तो हमने इसको जो है ना स्ट्रीट पे लेकर आए। जब हम सिंगापुर से आए थे तो हमने इसको सिंगापुरियन सीखा है। जी जी बिल्कुल। और नाम भी आप शामिल करके सिंगापुर। बिल्कुल। अगर मैं ट्रेडिशनल सिंगापुरी खिलाता तो लोगों को शायद नहीं पसंद आता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा क्रिएट किया है अपने लोगों के मिजाज के मुताबिक। अरे वाह जबरदस्त जबरदस्त। तो इसलिए जो है ये हमारा मशहूर हो गया। फूड कार्ट किस जगह है आपका? ये फूड कार्ट जो है बिल्कुल आप जब मौसमियात से आप आगे आएंगे सफूरा की तरफ, इस तरफ बिन हाशिम पड़ेगा, बिन हाशिम के बिल्कुल अपोजिट जो है ना रिजवान सोसाइटी का गेट है, और उसके साथ ही अगर वहाँ से आएंगे तो पहले खाली स्वीट पड़ेगा, खाली स्वीट के बाद हमारा ये फूड। सिंगापुरियन राइस सबसे ज्यादा मशहूर है आपका? जी बिल्कुल। ये आपका जो सिग्नेचर अकेले आपका ज्यादा चलता है। बिल्कुल। इसके अलावा क्या है, चाइनीज भी होता है? इसके अलावा सारी चाइनीज डिशेज हैं हमारे पास, चिकन लॉलीपॉप हनी सॉस है, सिजवान चिकन विद राइस है, चिल्ली ड्राई विद राइस है। तो मैं आपसे कहूंगा लेकिन आप मुझे जरा कुछ क्या बना के दिखाएंगे पहले और खिलाएंगे क्या? सर आप जो बोलें, जो आपका स्पेशल है वो बनाए ना आपके, क्या है स्पेशल? मैं आपको सिंगापुरी राइस खिला दिया है। बस सिंगापुरी राइस खिलाते हैं वो भाई बनाते हैं, चलते हैं बनवाए भाई से। आ जाए ये मैं सबसे पहले आपके लिए स्पेशल सिंगापुरी राइस जो हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा मशहूर है वो हम बना रहे हैं, ठीक है? ये देखिए इसमें जो है ना ये हमारे मदर सॉस है, ये हमने क्रिएट किया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ इससे ही सारी चीज़ें बनती हैं। ये आपकी सीक्रेट रेसिपी है? जी जी सीक्रेट रेसिपी। क्या क्या डालते हैं बता रहे? ये देखें इसमें सॉस होता है, केचप सॉस होता है, उसके बाद सोया सॉस, वेस्टर्ड सॉस, चिली सॉस, बाकी चीज़ें और मसाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना? इसमें जी 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 ये देखिए ये आप पीनट डालूंगा इसमें, उसके बाद हम रेड पेपर डालेंगे थोड़ा सा। पहले से फ्राई हुआ है या? जी जी पहले से रोस्टेड किए हुए हैं। रोस्टेड किया हुआ है आपने? सही है। इसके बाद सिसुमी डालेंगे हम इसमें थोड़ा, और ये हमने एक वाइट सॉस क्रिएट किया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। ये भी हमारी अपनी सीक्रेट रेसिपी है, ये क्रीम और मायनीज से बनता है ना, ये इसकी साइड लाइन तैयार होगी, ये इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे ना। सही। सॉस की टॉपिंग, ये टॉपिंग हो गया, ये टॉपिंग के हो गया। जी जी। अब इसका हम राइस तैयार करेंगे। ये देखिए ये ऑयल जो है ना ये भी क्रिएट किया हुआ है। ऑयल भी? हाँ। इसके क्रिएट से मुराद ये है कि इसको हम थोड़े से स्पाइस डाल के ना थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, फ्लेवर बनाते हैं। जी जी ये है। जी जी इसमें चार तरह की वेजिटेबल्स होते हैं, कैप्सिकम, कैरेट, ऑनियन और कैबेज। सही। इसको अब हम सौते करेंगे। अब इसमें हम राइस डालेंगे और नूडल्स डालेंगे। ये आपने क्या बनाया? सिंगापुरी। ये सिंगापुरी राइस। सिंगापुरी राइस। ये देखिए सबसे पहले कराची के अंदर सिंगापुरी राइस को लॉन्च भी करने वाला मैं। अच्छा आपने लॉन्च किया? जी जी। 95 में हमने जब हम सिंगापुर से आए थे तो हम लोगों ने रोड साइड पे सिंगापुरियन फूड लॉन्च किया था। अरे माशाल्लाह बंदा मिल गया है भाई, ये तो सिंगापुरी राइस कराची में जा। जी बिल्कुल। ये क्या वाइट है? जी वाइट पेपर था। ये सॉल्ट है इसका? सॉल्ट है। इसमें ब्लैक पेपर हल्का सा डालेंगे। सही। और ये भी एक सॉल्ट है। सही। सोया सॉस डाला हमने, वेस्टर्न सॉस डाला हमने, ठीक है? उसके बाद हम चिली सॉस थोड़ा। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये जो इसके अंदर जो ये नूडल्स है ना ये हम स्पेशली मंगवाते हैं इंपोर्ट करवा के। ये एग नूडल्स यहाँ पे आम जगहों पे नहीं मिलता है। ये जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और फाइव स्टार होटल्स हैं वहाँ पे ये मिलता है। ये एग नूडल्स है, ये स्पैगेटी नहीं। हाँ ये स्पैगेटी नहीं है। अच्छा, ये अंडे का बना हुआ है। जी जी
अब हम इसकी डिश आउट करेंगे। कैसी खुशबू आ रही है तनवीर भाई आपको? और आप देखिए इसके अंदर वेजिटेबल सारी क्रिस्पी है ना। अब हम इसमें रोस्टेड चिकन डालेंगे। ये देखिए ये रोस्टेड चिकन है, ये पहले से हम क्रिएट करके रखे हैं। ये देखिए इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। अब ये सॉस की हम टॉपिंग करेंगे। ये जो इसमें रेड पेपर है ना जी, ये रोस्टेड रेड पेपर है, तो ये अगर लोग खाएंगे तो इसमें और ज़्यादा मज़ा, जो स्पाइसी लवर है ना इसको चबा के खा सकते हैं। देखिए कैसा इसका कलर है, जबरदस्त जबरदस्त। कितने की है ये? 500 की प्लेट है जी जी। अगर ये किसी रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में आप खाएंगे तो कम से कम ये 1000 रुपीज़ की प्लेट होगी। आपके सामने सारे इन्ग्रीडियंट्स मैंने डाले, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें। अब इसमें क्रिस्पी नूडल्स भी डालेंगे। ये क्या किया आपने क्रिस्पी बनाने के लिए? ये नूडल्स को हमने फ्राई किया, जस्ट फ्राई किया। देखिए मैं लॉलीपॉप हनी सॉस बना रहा हूँ, पहले मैं लॉलीपॉप फ्राई कर रहा हूँ। और इस पे क्या कोटिंग किसकी हुई होती है? इस पे कोटिंग जो है कॉर्नफ्लोर और मैदे की हुई भी होती है, और बाकी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे। और इसके ड्रम स्टिक को काटा हुआ है ना? ये विंग से बनते हैं लॉलीपॉप। ड्रम स्टिक जी, ये ड्रम स्टिक के नहीं है, ये विंग्स के हैं। ठीक है, जबरदस्त। इसके बाद हम जो है इसका सॉस बनाएंगे, हनी सॉस। मैं डाल रहा हूँ ऑयल। ऑयल के बाद इस पर डालूंगा मैं चॉप गार्लिक, चॉप हुआ हुआ गार्लिक है, थोड़ा सौते हो जाएगा। उसके बाद इसमें आ जाएगी कटर मिर्च और शुगर, शुगर जी, हनी सॉस है। वैसे सॉस हमारा क्रिएट हुआ हुआ, ये रहा, ये हमारा हनी सॉस का सॉस क्रिएट हुआ हुआ। ये देखें आपको खुशबू कैसी आ रही है, बड़ा रिच फ्लेवर आ रहा है भाई, देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब हम डालेंगे इसमें लॉलीपॉप। इसको अच्छे से इस पर जो है क्रिएट कर देंगे। ये रेडी हो गया जी, ये बिल्कुल रेडी है। और ये कितने पीस हैं? ये 8 पीस होते हैं 500 के हनी सॉस में। हनी सॉस में जी, ये सबसे हमारा जो है डिलीशियस आइटम है। ये चावल के साथ भी खाया जाता है, और वैसे सबसे ज़्यादा जो है ऐसी सूखा भी खाया जाता है जी, बिल्कुल स्टार्टर के तौर पे भी खाया जाता है इसको। ये देखें अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। कोई भी चीज़ देखने में अच्छी लगे तो खाने में बहुत अच्छी लगती है वो। ये देखें सिंगापुरियन राइस और सिंगापुरियन चिकन स्टिक और सिंगापुरियन लोगों ने बनाया है, तो आ गई हमारे साथ। और हमारे साथ हैं जी आफ्ताब भाई। आफ्ताब भाई कैसे हैं आप? अच्छा आफ्ताब भाई, ये बताएं कि माशाल्लाह यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मोबाइल बंद कर दें, सबको बंद कर दें, काम करते वक्त किसी की कॉल नहीं आनी चाहिए। अच्छा तो क्या नाम है आपके चैनल का, लोगों को बताएं ज़रा? आफ्ताब असलम मेरा नाम है, और आफ्ताब असलम व्लॉग के नाम से मेरा चैनल है। ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, मेरी तकरीबन एक ही वीडियो है। तो माशा से भाई का नाम यहाँ सुना था, तो मैं उनके मिलने के लिए स्पेशली आया हूँ यहाँ पर। नहीं नहीं, तो बस आप काम भी करें इंशाल्लाह, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। देखिए जैसे आप हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे तमाम जो नए लोग आ रहे हैं जो काम अच्छा कर रहे हैं, एक वीडियो बनाइए, मजीद आप प्यार देते रहेंगे, वीडियो बनती रहेगी। तो मैं रिव्यू दूंगा आफ्ताब भाई से लाएंगे। आफ्ताब भाई खाएँ बताएँ लोगों को, बताएँ कैसा लगा, पहले खाएँ बताएँ। ये है यहाँ के मशहूर सिंगापुरियन राइस जी, मैंने अक्सर खाया है यहाँ पर, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। मैंने स्पेशली घर के लिए भी पार्सल लेके गए, तो भाई ये लड़का पहले से खाता हुआ आ रहा है यहाँ पर, पहले से खा चुका हूँ। तो फिर आप बायस हो गए, मतलब आपको अच्छे लगे हैं पहले खाने में? मुझे पहले से अच्छे लगे, मैं काफ़ी बार। लेकिन आप लोगों को बताएं कि दादा कैसा जायका, ताकि लोगों को एक्सप्लेन करें ना जो नहीं आए यहाँ पर। कैसा जायका है? जैसे बेहतरीन जायका है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर। मैं काफ़ी टाइम से यानी कि आ रहा हूँ, मैंने दूसरी जगह ऐसा नहीं खाया था, तभी मैं यहाँ पर स्पेशली अपनी फैमिली के लिए भी पार्सल करवा कर लेकर जाता हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपकी तरफ से हाईली रिकमेंड है कि लोग खाएं, बेहतरीन जाएगा आप जरूर। अच्छा, एक चीज़ होती है कि मैं इसके कीमत है 500 रुपये जी, तो 500 रुपये के लिहाज से, क्योंकि मैं हमेशा चीज़ों को जज करता हूँ पैसे के लिहाज से, उस लिहाज से अच्छा है कि उस हिसाब से आजकल के हिसाब से देखा जाए तो मटीरियल के हिसाब से 500 रुपये जायज़ जायज़ है देखा जाए। चलो भाई लोग आप तारीफ कर दिए, और
भाई की बारी आ गई है, थोड़ा देखते हैं। अच्छा ये बड़ा बाकी ना सॉसेस, मतलब ये देख रहे हैं बड़ा रिच तरीके से बना हुआ है, यानी आपको कैसे लगता नहीं कि कुछ तंदूसी हुई हुई है इसमें, रोस्टेड चिकन है इसी तरीके से, आपको जरा ड्राई चिली है वो भी रोस्टेड हुई हुई, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, और ख़ासतौर पर जो नूडल्स हैं यानी ये ड्राई भी हुई हुई है और जो अंडे की नूडल्स है वो भी अच्छी लग रही है। तो ये देखें इधर हमें सिंगापुरी राइस, मैंने इससे पहले सिंगापुरी राइस खाया नहीं है, मैंने चाइनीज़ ज़रूर खाया। बट डिफरेंट फ्लेवर है ना, यानी आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं, सॉसेस तो महसूस हो रही क्योंकि जो स्पेशल सॉस है उसका अपना एक मीठा फ्लेवर है, फिर जिस तरीके से जो नूडल्स हैं वो कहते हैं कि बाहर से बनी हुई, वाकई ये नूडल्स वो नहीं है, नूडल्स का बहुत अच्छा जायका फ्लेवर आ रहा है, बड़ा रिच फ्लेवर आया। मैं ज़रा नूडल्स दोबारा ट्राई करता हूँ, सिर्फ नूडल्स ना, सिर्फ नूडल्स खाएंगे बस, सिर्फ नूडल्स खा रहा हूँ मैं। नूडल्स का डिफरेंट जायका है, वो जायका नहीं है जो हमारे वीट या मैदे की बनी होती है ना, उससे काफ़ी हटके जायका और थोड़ा रिच फ्लेवर है इसका। तो आप ज़रा चिकन के साथ और ये पूरा मिला के खाएँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी बहुत सारी हैं इसके अंदर। सीधा ऐसे खा रहा हूँ, देखो गलती हो गई थी। हाँ फिर बाद में मत बोलना भाई, आप इसको मिक्स करके खाएंगे ना तो सॉसेज के साथ इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर लगेगा। अच्छा इसकी खास बात है, हर बार आपको एक नया डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है, ये नहीं है कि आपने खाया आपको जैसा जायका आ रहा है, नहीं मैंने दो निवाले लिए, मुझे दोनों निवालों में दोनों चम्मच के अंदर डिफरेंट फ्लेवर आए, सॉसेज अलग अलग डाली हुई है, तो एक आपने सॉसेज वाला लिया और दूसरा सॉसेज मिक्स करके लिया, हाँ तो ये बड़ा अच्छा बन रहा है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है चाइनीज़ को खाना ना, ये हमारे लिए ना चाइनीज़ वो पता नहीं कैसे वो दो लकड़ियों से खा लेते हैं, समय से बाहर होते हैं, हमें इससे भी खाने में मुश्किल होती है, वो पता नहीं कैसे खा लेते हैं। तो कहा कभी आपने उससे ट्राई किया कि दो स्टिक से, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर है जो फ्राई हुई है, वो बड़ी क्रिस्पी सी है और तमाम चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा मज़े का है, वो बड़ा रिच है, ऐसा कोई फ्लेवर इसमें नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हर चीज़ का अपना अपना फ्लेवर है। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि आपके स्पाइसेस का ज़्यादा रिच फ्लेवर हो जाता है या स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है, तो ज़्यादातर उन्हीं का आ रहा है, मगर इसमें वो जो चीज़ें मैंने मिलाई हैं, जितनी सॉसेस मिलाई है, इसी तरीके से जो मसाले हैं, सबके फ्लेवर मुँह में महसूस होते हैं, और यही सबसे अच्छी बात होती है कि जब जायका चखो ना तो आपके टेस्ट बड्स हैं वो आपको फील कराएं, तो ये बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो खाने में। वाकई जो उन्होंने दावा किया ना कि उनका चिकन राइस जो सिंगापुरी जो राइस है वो बड़ा मज़े का है, तो वाकई बहुत मज़े का, लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी, तो उस वजह से हम आए थे यहाँ पर। तो हाईली रिकमेंड है, ये यूनिवर्सिटी रोड पर बिन हाशिम के सामने है, सबूरा से थोड़ा सा पहले पड़ता है ये, और आपने आना है अपना फीडबैक देना है। सुरेंद्र भाई से भी बात करते हैं, और ये रह गया भाई सिंगापुरियन चिकन स्टिक, वेजिटेबल से ये, अच्छा कैरेट है, ये कैरेट, ठीक है। ये सारे पैसे इसके, अच्छा ये 5 रुपये के लिहाज से आपको लगेगा, 5 रुपये में नहीं भाई, ये दो बंदे आराम से खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बड़ी प्लेट है ये, और जायका इतना मज़े का है कि दो बंदे खाने के बाद शायद दोबारा ऑर्डर भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिकंदर भाई से, सिकंदर भाई को भी साथ लेकर आए हम, सिकंदर भाई खुद भी चाइनीज़ रखते हैं और उनसे ज़रा सिंगापुरी राइस का रिव्यू भी दे रहे हैं। जी सिकंदर भाई स्टार्ट कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह, और इसमें दीजिएगा भाई, सिकंदर भाई को खाना आता भाई, सिकंदर भाई हैवी चाइनीज ना। जी सिकंदर भाई, अच्छा एक बार हमने चिकन लाठी भी खाया था, लेकिन वो चाइनीज था, ये सिंगापुरी राइस है, हाँ उससे तो काफी डिफरेंट है, लगा बहुत अच्छा है ना उसका मजे, सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सॉस, बहुत अच्छी है इनकी, जबरदस्त। आप लोगों को एक बात और बता दें, ऑथेंटिक चाइनीज कैसा आ रहा है? ऑथेंटिक है, देखा ये लड़के ने बात बोली है, ये रहे नूडल भाई, ये चाइना से इंपोर्ट हुए हैं, आप ही लेकर आए थे सिकंदर भाई, खुद ही हम ले गए भाई आज, चलो सिकंदर भाई तो हाईली नूडल, हां बिल्कुल, लेकिन हां
तो भाई इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपना यहाँ पर आके फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे तो जायका बहुत अच्छा लगा, खासतौर पर उनके पास बहुत सारी चीज़ें, मगर इन्होंने कहा था कि हमारा जो सिंगापुरियन राइस है वो खाइएगा, और उनकी स्पेशलिटी भी वही है, और बहुत मज़ा आया मुझे। तो चलो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।